हाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड राता कोला। इस चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्त, हाल ही में जो एसएससी जीडी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर इसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, मैं ज़रूर पहुँचा दूंगा दोस्त। सो बिना समय गंवाए आइए इसका शुरुआत करते हैं। ये जो रिजल्ट 21 जून को डिक्लेयर हुआ था और इसमें सिलेक्ट हुए हैं 534,052 कैंडिडेट्स और इसका एग्जाम 13 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक होने वाला है दोस्त। सो दोस्त, जाने से पहले आपको क्या जानकारियां जरूरी है? सो दोस्त, जाने से पहले ये सब चीज आप ध्यान दीजिए। और जो आपका फर्स्ट इवेंट होने वाला है वो है दौड़, रेस। रेस में क्या है? रेस में आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है दोस्त, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है? उनको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 8.5 मिनट में। और स्पेशल फॉर द लद्दाखी कैंडिडेट्स, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रखा गया है, उसको 4 मिनट में कंप्लीट करना है। ये रहा आपका रेस फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट जो है आपका रहा है हाइट। हाइट में क्या है दोस्त? जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। एंड स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट, जो रहा आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, उन कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर रखा गया है। यह रहा आपका सेकेंड इवेंट जो है हाइट। थर्ड में आपका क्या है? चेस्ट। चेस्ट में क्या है? जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 80 सेंटीमीटर रखा गया है मिनिमम, और उसको एक्सपांड करना है आपको 5 सेंटीमीटर तक। और एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर रखा गया है, उसको एक्सपांड करना है 5 सेंटीमीटर तक। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है 77 सेंटीमीटर, और उसको भी एक्सपांड करना है 5 सेंटीमीटर तक। दोस्त, ये रहा आपका इवेंट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्या लेके जाना है उधर? सो फर्स्ट तो रहा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर टू, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। और दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही से लिखा होना चाहिए, एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए। उधर डेट मेंशन होना चाहिए, मंथ मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद ईयर मेंशन होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री में 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल, साथ में जेरोक्स, उसके साथ मार्कशीट। फोर्थ में दोस्त, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो है। और फिफ्थ में कास्ट सर्टिफिकेट, खास करके जो रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट एक चाहिए। और लास्ट में दोस्त, फोर नंबर्स ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बस दोस्त, डॉक्यूमेंट्स में 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और ये रहा आपका सब जानकारियां दोस्त। अगर इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कीजिए दोस्त, और अपना दोस्त के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपका दोस्त तक भी पहुंच पाए, वो भी एग्जाम दे पाए। दोस्त,
बहुत खुशी की बात है आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बता रहा हूँ और आप एक दिन देश के लिए सेवा करने के लिए जा रहे हैं, आप एक फौजी बनने जा रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ दोस्त, और जाने से पहले आपको फिर से